हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड ट्रैवल्स प्रॉबली। माय नेम इज अर्नब और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीजा ऑन अराइवल का प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीजा ऑन अराइवल इन द थाईलैंड एयरपोर्ट। वीजा ऑन अराइवल एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही आसान लगेगा जब ये फॉर्म फिलअप करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स देके, पैसा पे करके यू एक्चुअली गेट इन टू थाईलैंड विद द मोस्ट ईजीएस्ट इन द मोस्ट ईजीएस्ट टाइम। वीजा ऑन अराइवल के लिए कुछ ऐसा चीज़ें होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से कैरी करना पड़ेगा एंड प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आज मैं इस वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, द प्रोसेस, द एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। बट बिफोर आई मूव अहेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, राइट, आपको मेरा चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो मैं आपसे, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज फूड ट्रैवल्स प्रॉबली, हाउ टू अप्लाई फॉर वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल का प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट विच शुड हैव अ 6 months वैलिडिटी एंड प्लस इट शुड हैव 2 empty pages जहां पे थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिसर कैन स्टैम्प यू इन थाईलैंड। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द फोटोग्राफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे भी गलती हो गया था बिकॉज लास्ट टाइम मैं थाईलैंड गया था स्टैम्प वीजा के थ्रू में, विच वॉज थ्रू VFS Global। VFS Global में से अगर आप अप्लाई कर चुके हो या करते हो तो आपको ये पता होगा कि वहां पे 35mm x 45mm वाला फोटोग्राफ चलता है। एंड इसके चक्कर में मुझे लगा कि ये सेम फोटो चल जाएगा, बट नहीं, वीजा ऑन अराइवल में आपको थोड़ा सा बड़ा फोटो चाहिए विच इज टेक्निकली 4 cm x 6 cm का फोटो साइज होना चाहिए एंड द मोस्ट इट हैज टू बी एक्सट्रीमली रीसेंट। सो ध्यान रखना 45x35 वाला फोटो नहीं चलेगा, 4x6 cm वाला फोटो चलेगा इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस व्हेन यू आर अराइविंग टू थाईलैंड फ्रॉम इंडिया। इसके साथ साथ इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर द शो मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको डिफरेंट सिंबल से बताता हूँ, यहाँ पे स्टैम्प वीजा मेरा लास्ट टाइम था तो इसलिए मैंने पहले से बैंक स्टेटमेंट वगैरह देके मैंने ये वीजा लगवा लिया था, इसलिए मुझे किसी ने पूछा नहीं था कोई पैसे के रिलेटेड। इस बार जब मैंने वीजा ऑन अराइवल लिया तो क्या हुआ, सिंस आई वॉज अ सोलो ट्रैवलर मुझे 10,000 बाहर दिखाना पड़ा और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको 20,000 बाहर दिखाना पड़ेगा। That is extremely important. You do not have to carry any kind of debit card, credit card or any forex card to show that money. आपको hard cash carry करना पड़ेगा। Show money दिखाने के बाद the next step is immigration officers will ask for the hard copy of your confirmed hotel bookings and your confirmed return flight book ticket vouchers जो आपको कैरी करना है इंडिया से। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डू नॉट बी डिपेंडेंट कि मुझे वाईफाई मिल जाएगा यू नो एयरपोर्ट में, यू नो आई विल प्रॉब्ली बाय अ सिम एंड मैं मोबाइल से दिखा दूंगा फॉर XYZ ऐप से जहां से आपने बुकिंग किया है। रिमेंबर, सब कुछ होगा आपके साथ आपके मोबाइल में, मगर फॉर सम इंस्टेंस आपको अगर जल्दी चीजें मूव ऑन करना है विद दैट वीजा यू नीड टू कैरी हार्ड कॉपीज। ये सारी चीज अलॉन्ग विद द पासपोर्ट एंड द फॉर्म जो आप फिल करके आए होंगे इंडिया से या आप वहां पे जाके फिलअप किए होंगे विद द पिक्चर, वो सारे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन लेके द वीजा काउंटर 1 में जाके सबमिट करना पड़ता है। करने के बाद काउंटर 2 से आपको तुरंत मिल जाता है। मुझे 10 से 15 मिनट लगा फॉर माय वीजा ऑन अराइवल टू बी अप्रूव्ड। इतने सारी चीजें और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ऑल्सो अलॉन्ग विद द सेम लाइन्स आपको एक वीजा ऑन अराइवल फीस भी देना होता है वीजा ऑफिसर को। ये फीस का बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है इंटरनेट में कि कहीं कोई, किसी ने बोला है 2000 बाहत है, किसी ने बोला है 2200 बाहत है, देर इज अ 200 बाहत स्कैम। मैं पर्सनली, आप अगर मुझसे पूछो तो मैं 200 बाहत अगर कोई एक्स्ट्रा भी मांग रहा और मैं किसी टूरिज्म पर्पस के लिए कोई भी देश में गया हूँ, 200 बाहत का मतलब होता है करीब करीब 600 रुपया या 500 रुपया के बीच में। आई वुड नॉट प्रेफर टू गो एंड यू नो स्टार्ट मेकिंग अ फस अबाउट इट। इट्स ओके, आपको लेना है ले लो, मेरा प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, दैट इज वॉट आई वॉन्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम।
तो आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्कैम हो गया मेरे साथ, स्कैम हो रहा है थाईलैंड में। अब मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, 200 बात के लिए स्कैम का क्या करना है, मुझे थाईलैंड में जाना है, मुझे 200 बात देना है और प्रोसेस फास्टर करवाना है, ये मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो हैव डबल माइंड्स ओवर देयर। आई वुड रिकमेंड ज़्यादा 200 बात के बारे में ना सोच के प्रोसेस फास्टर, और कैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के यू कैन गो टू योर होटल एंड एन्जॉय थाईलैंड, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर देयर। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या क्या चाहिए, लेट अस गो एंड समराइज। यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट विद अ 6 months वैलिडिटी, एंड यू शुड हैव 2 pages एम्प्टी फॉर द वीजा ऑफिसर टू स्टैम्प यू इन, द इमिग्रेशन ऑफिसर। इसके साथ साथ वो फॉर्म जो है, द वीजा ऑन अराइवल फॉर्म, इधर आप इंडिया से प्रिंट आउट करके लेके जाके फिलअप कर सकते हो, या वहीं पर आप फिलअप कर सकते हो, वहाँ पर भी फॉर्म्स अवेलेबल है। साथ साथ फोटोग्राफ का स्पेशल ध्यान देना है आपको, 35 x 45 mm वाला नहीं चाहिए, जो VFS में आप सबमिट करते हो या आप कर चुके हो पहले से। वीजा ऑन अराइवल में फोटोग्राफिक मेजरमेंट इज 4 x 6 cm, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका कन्फर्म होटल बुकिंग वाउचर्स, आपका फ्लाइट अटेंडेंट शुड बी ऑलवेज देयर, एंड इट शुड बी इन हार्ड कॉपी। रिमेंबर, मोबाइल से दिखाने का कोई मतलब नहीं है, वाईफाई कभी कभी चलेगा कभी कभी नहीं चलेगा, वाई टू टेक दैट रिस्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड ऑलवेज गो हैड एंड अंडरस्टैंड कि वीजा ऑन अराइवल एक फीस भी होगा, जो 2200 बात आप एक्सपेक्ट करके चलो, इफ यू आर वेरी लकी 2000 बात में हो गया ग्रेट, अगर नहीं हुआ 2200 बात आपको कैश में देना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शो मनी में अगर आप सोलो ट्रैवलर हो 10,000 बात हार्ड कैश, या फैमिली ट्रैवलर हो तो 20,000 बात एज हार्ड कैश आपको दिखाना है टू द वीजा ऑफिसर टू गेट द वीजा ऑन अराइवल। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस आई वुड से। इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन आज से नहीं है, बहुत सालों से है, तो इसलिए बहुत सारे ट्रैवलर्स जाते हैं, दैट कंट्री यू नो डिपेंड्स हेवली ऑन इंडियन टूरिज्म, राइट। तो फॉर मोर वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग योर आइटिनरी और हाउ टू गो टू द बेस्ट प्लेसेस इन थाईलैंड, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अर्नब एंड आई एम साइनिंग ऑफ।